के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ साथी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। जैसा आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी कल से पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, और बदलाव यात्रा का मतलब कि जो अभी तक की पार्टियों के शासन से जो लोग परेशान हो चुके हैं हरियाणा के अंदर, वो मूलभूत बदलाव चाहते हैं। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते लोग, व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। और तीन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद लोगों का यह भरोसा टूट चुका है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भी किसी तरीके का कोई मुकाबला दे सकती है। इसलिए लोग एक ऐसे विकल्प की तलाश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ मुकाबला दे बल्कि उसे हरियाणा में पटखनी दे सके और लोगों के मन की सरकार बना सके, आम आदमी की सरकार बना सके। हम इस बदलाव यात्रा के जरिए पूरे हरियाणा में आम लोगों के बीच, आम जनता का वो पर चर्चा भी हो, उनके मुद्दों के ऊपर सवाल भी उठें और उन मुद्दों के ऊपर सरकार भी बने। इस बदलाव यात्रा में बड़ी तादाद में युवा हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे पास अभी से कॉल्स आने शुरू हो गए हैं, जिन रूट पे जो जिसके भी नेतृत्व में यात्रा हो रही है उन सबके पास कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। युवा साथी इस बदलाव यात्रा में बड़ी तादाद में जुड़ना चाहते हैं, और कांग्रेस से भरोसा टूटने के बाद कांग्रेस के भी बहुत सारे जुझारू और संघर्षशील साथी आम आदमी पार्टी की तरफ इस बदलाव यात्रा के दौरान रुख करेंगे। मेरा अपना रूट महेंद्रगढ़ से शुरू होकर के झज्जर बेरी से होते हुए, रोहतक से होते हुए, कलोई से होते हुए और नॉर्थ की तरफ कलायत, कैथल, असंध की तरफ निकल जाएगा। ये पूरे रूट पर मैं अपनी यात्रा के दौरान युवाओं से जुड़ने की, उनके मुद्दों को उठाने की, सरकार को क्यों बदलना है, किन मुद्दों के ऊपर जनता सरकार चाहती है, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे लगातार। एक उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक मुद्दा रख रहा हूं। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आम आदमी पार्टी ने 338% शिक्षा के ऊपर बजट बढ़ा दिया है, जबकि हरियाणा के अंदर अगर आप शिक्षा बजट को देखें तो हरियाणा सरकार ने लगभग 12% शिक्षा बजट घटा दिया है। यह अपने आप में सरकार की प्रायोरिटीज दिखाता है कि हरियाणा की सरकार गरीबों को, आम आदमी के बच्चों को शिक्षा से महरूम रखना चाहती है, सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना चाहती है। 40,000 के आसपास स्कूलों के अंदर पद खाली पड़े हैं सरकारी स्कूलों के अंदर हरियाणा में। ये सारी चीजें ये बताती हैं कि शिक्षा भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी में नहीं है। दूसरी तरफ 325% बढ़ोतरी करके पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह बताया कि हम शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं और आम आदमी और गरीब के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इसका पूरा इंतजाम करते हैं। यही बदलाव हम हरियाणा के अंदर भी देखना चाहते हैं, यही बदलाव हरियाणा के लोग हरियाणा के अंदर देखना चाहते हैं। इसलिए इस बदलाव यात्रा में सभी लोगों से जुड़ते हुए, उनके मुद्दों को समझते हुए हरियाणा में भी एक नई सोच की, एक मजबूत सरकार आ सके, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए उन सभी वादों के ऊपर, उन कसौटी पर अब भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी देश पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया, लेकिन आपने देखा संसद में किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। तो पूरे देश में इस वक्त सुरक्षा को लेकर के चिंता का माहौल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में वाकई देश सुरक्षित है। जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो फिर देश के बाकी हिस्सों में सुरक्षा का क्या हाल होगा।